करनाल में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आज यानी सोमवार को करनाल में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्ण पार्क में इकट्ठा हुए और यहां नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरकर कमेटी चौक पहुंचे। इस रोष प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के रोष स्वरूप बैलगाड़ी में बैठकर शहर के मुख्य मार्गों से प्रदर्शन करते हुए निकले। पर्यवेक्षक सुभाष बत्रा ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते आज करनाल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बढ़ती महंगाई एवं कृषि के केंद्र में केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों के रोष स्वरूप प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार व हरियाणा की मनोहर लाल सरकार सबसे अलोकतांत्रिक सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 3 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार सिर्फ दमनकारी नीति अपनाकर आंदोलन को खत्म करना चाहती है। वहीं असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि जब पहले तेल और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर आकर हाय तोबा मचाती थी, परंतु आज वह एक भी शब्द नहीं बोल रही है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए काले कानून वापस लिए जाएं, बढ़ती महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार सिर्फ किसानों को दमनकारी नीतियों के तहत आंदोलन को खत्म करने पर तुली है, उनकी समस्याओं और उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा, जिसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। बताइए आज के आंदोलन के बारे में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्या करेंगे आप? आज दो इशू, दो सबसे बड़े जो इशू हैं, एक तो किसानों के जो खिलाफ इस भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं उनकी वापसी के लिए ये हजारों की संख्या में आज लोग इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के निर्देश के ऊपर मैं यहाँ पर बतौर पर्यवेक्षक आया हूँ। आज सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक तो महंगाई की मार जिसने पूरे हरियाणा का देश के अंदर आम आदमी की कब्र तोड़ के रख दी है, चाहे पेट्रोल के भाव हों, चाहे डीजल के रेट हों, चाहे सिलेंडर रसोई सिलेंडर की बात हो, आज चाहे GST, चाहे कोई भी हर इशू पर ये भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, 250 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये इस सरकार को सबसे बड़ी अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से ये सरकार चल रही है और बहुत जल्द ये सरकारें जाएंगी। आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर ये बाजारों से गुजरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है, यही हम कहते हैं। देखो आज तो जो प्रदर्शन है, महंगाई खास करके डीजल पेट्रोल और गैस जो इस मकसद से किया जा रहा है कि आम नागरिक की जेब में पैसा ना बचे और आम नागरिक रोटी के लिए मोहताज हो जाए। दूसरा, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको भी हम समर्थन देने जा रहे हैं कि वो जो काले कानून है वो इस देश में लोकतंत्र की हत्या है, कि कोरोना की महामारी के अंदर बिना किसी डिमांड के ऐसे कानून ला दिए और एक ट्रेड लफ्ज यूज करके खेती को ट्रेड के साथ जोड़ दिया, जबकि खेती जो है संविधान में ट्रेड के साथ नहीं है, इसको ट्रेड नहीं माना जाता। जबरदस्ती इस मेजोरिटी का फायदा उठा के देश के अंदर संविधान खत्म करने की, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रची जा रही है और आम नागरिक के पेट की भूख का जो है व्यापार करने की कोशिश की जा रही है कि उस व्यापार की वजह से लोग मजबूर होके इनकी तानाशाही को माने और देश में राजशाही लाने का, तानाशाही लाने का एक इन्होंने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के खिलाफ हम
आवाज उठाने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी आप देखोगे हम शहर के अंदर जाएंगे और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी मालूम पड़े, ये जागरूकता अभियान भी है और सॉलिडरिटी विद फार्मर्स है। और गरीब लोग जिनका पीडीएस सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है और जो महंगाई से चूल्हे तक मार किए, इसी फरवरी फरवरी के महीने में 100 रुपये सिलेंडर बढ़ाए, शर्म आनी चाहिए। यही आदमी 2013 में कपड़े उतार उतार के, एक हमारी बहन है स्मृति ईरानी, अब पता नहीं वो मंत्रालय के लालच में कहाँ मर गई हो, अब उसको आना चाहिए सड़क पे, भाई 35 रुपये तेल कैसे दोगे, सस्ता सिलेंडर कैसे दोगे। ये जो ठगी के काम ये सरकार कर रही है, जब बाढ़ खेत को खाएगी तो देश कैसे बचेगा। त्रिलोचन सिंह आ जाओ, रुको तेरे बोलेंगे, हम तीन अध्यादेश के विरोध में व महंगाई के विरोध में आज जिला कांग्रेस पूरा ही एकत्रित होकर हमारे बुजुर्ग सुभाष बत्रा जी आए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहन शैलजा जी और सीएलपी नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के आदेश अनुसार आज हम सड़कों पर उतरेंगे ताकि इस मौजूदा सरकार को पता लग सके कि देश का किसान और देश का आमजन पिछले नोटबंदी जीएसटी और कोरोना जैसे काल से गुजर कर आज किस कदर भूखमरी का शिकार हो रहा है। ऐसे में इतनी ज़्यादा महंगाई लाकर देश को तोड़ने की जो स्थिति है, हम कभी देश को टूटने नहीं देंगे, हम देश को एक रखेंगे और कांग्रेस जन सब एक झंडे के नीचे आज हम जिला करनाल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भाजपा सरकार की आम आदमी की विरोधी नीतियाँ, वो नीतियाँ जिन्होंने घर के चूल्हे तक को जलना आज मुश्किल कर दिया है, आम आदमी को डीजल पेट्रोल के दाम उसकी पहुंच से बाहर हो गए हैं, और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ भाजपा के सारे नेता दुम दबाकर के घर के अंदर घुसे हुए हैं, आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के सारे समर्पित कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे संत विधायक गोगी जी हों, सरदार त्रिलोचन सिंह जी हों, हमारे जो ऑब्जर्वर सुभाष बत्रा जी एक्स होम मिनिस्टर वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, और बंता राम जी हमारे सीनियर लीडर वो भी उपस्थित हैं, तमाम सभी समर्पित एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग जो है आज आम आदमी की आवाज़ बनेंगे और शहर के अंदर से करंट पार्क से लेकर के करंट गेट तक हमारा मार्च रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम सरकार पर पूरा दबाव बनाएं ताकि आम आदमी को राहत। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक